हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को प्याज और गुड़ एक साथ खाने के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। प्याज का सेवन सेहत को काफ़ी लाभ पहुंचाता है क्योंकि प्याज पोषक तत्वों से भरपूर होती है। लेकिन क्या आपने कभी प्याज का गुड़ के साथ सेवन किया है? प्याज और गुड़ का सेवन स्वास्थ्य को काफ़ी लाभ पहुँचाता है। प्याज और गुड़ के मिश्रण का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है, क्योंकि प्याज विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम के अलावा कई अन्य ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो वहीं गुड़ आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, हेल्दी फैट्स, कैल्शियम, कॉपर और जिंक जैसे ज़रूरी मिनरल से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी लाभदायक साबित होते हैं। तो आइए जानते हैं प्याज और गुड़ एक साथ खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्याज और गुड़ का एक साथ सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं, जिससे आपका मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। डेंगू की शिकायत होने पर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ऐसे में अगर आप प्याज और गुड़ का सेवन करते हैं तो ये फायदेमंद होता है, क्योंकि इनमें पाए जाने वाला तत्व प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको प्याज और गुड़ का एक साथ सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला आयरन हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे खून की कमी दूर होती है। अगर आप प्याज और गुड़ का एक साथ सेवन करते हैं तो ये पाचन स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला तत्व पाचन क्रिया में सुधार करता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। अगर आपको पीलिया यानी कि जॉन्डिक्स की शिकायत है तो आपको प्याज और गुड़ का एक साथ सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला तत्व लीवर के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे पीलिया की बीमारी में फ़ायदा पहुंचता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो आपको प्याज और गुड़ का एक साथ सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला पोटेशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।